मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, हिंदी में कहा जाए तो गैस का मोलर आयतन। किसी भी गैस के एक मोल में, किसी भी गैस के एक मोल में जो उसके द्वारा बनाया गया आयतन होता है, उसे ही हम गैस का मोलर आयतन कहते हैं। कहने का मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं अभी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, इसे हम हिंदी में कहते हैं गैस का मोलर आयतन। अभी गैस का मोलर आयतन कहता क्या है हमसे, देखिए हमको इतना पता है कि एक मोल, चाहे गैस हो, सॉलिड हो, पार्टिकल्स हो, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो, उसके एक मोल में 6.023 × 10³ अणु मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो अब मोलर वैल्यूम ऑफ गैस ले रहे हैं, यानी कहा जाए एक मोल गैस का वैल्यूम, एक मोल गैस का वैल्यूम। तो किसी भी एक गैस मोल का वैल्यूम देखा जाए तो एनटीपी पर, एनटीपी इसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर आपका नियर अबाउट होता है 0 डिग्री सेल्सियस गैस के लिए, और प्रेशर 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी किसी भी गैस का टेम्परेचर, और 1 atm पर, सॉरी 1 atm पर जो प्रेशर क्रिएट करता है वही उसका कहलाता है मोलर वैल्यूम ऑफ गैस। और कोई भी गैस एक मोल का है, एनटीपी पर है, उसके एक मोल गैस का जो वैल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, किसी भी एक मोल गैस का वैल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, यानी कि 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अब ये 22.4 लीटर क्या कहता है, चाहे आप ले लीजिए क्लोरीन गैस ले लीजिए, Cl2 गैस ले लीजिए। अगर आप क्लोरीन गैस का एक मोल लेते हैं, आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लीजिए, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी एक मोल लेते हैं, ठीक है, हमने दोनों मोलों की संख्याएं बराबर ले ली, तो जो क्लोरीन का जो एक मोल है वो भी 22.4 लीटर के बराबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मोल है वो भी 22.4 लीटर के बराबर होगा। कहने का मतलब क्लोरीन गैस का एक मोल में, इसका ग्राम पर मोल में इसका मोलर मास निकालेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है, नियर अबाउट 71 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल होता है इसका मोलर वैल्यूम। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, 71 ग्राम पर मोल होता है। वहीं पर अगर आप देख लें कार्बन डाइऑक्साइड का, वो नियर अबाउट होता है 44.00 ग्राम पर मोल। ठीक है, कहने का मतलब कि 44 ग्राम, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर के बराबर होगा। वहीं पर 71 ग्राम क्लोरीन 22.4 लीटर लीटर के बराबर होगा। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर इन दोनों का मोलर मास अलग अलग है, इन दोनों के मोल सेम है, तो जो ये वैल्यूम बनाएगा, जो आयतन ये घेरेगा, वो 22.4 लीटर ही होगा। ठीक है, तो मोलर वैल्यूम निकालने के फायदे, अगर किसी भी गैस का मोलर वैल्यूम निकालते हैं तो उसके अंदर मौजूद हमको पार्टिकल्स, उसके अणु और परमाणु पता चल जाएंगे, एक उसके आधार पर हम इसका आयतन भी पता कर लेंगे, तो इसीलिए हम मोलर मास निकालते हैं, मोलर वैल्यूम निकालते हैं। ठीक है, अब चलिए हम मोलर वैल्यूम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ये टॉपिक आप समझे आसानी से। चलिए अभी हम क्या देखना है, एक सवाल है, कह रहा है कि 1 ग्राम हीलियम में कितने परमाणु उपस्थित होंगे। क्या दिया है, सवाल दिया है 1 ग्राम, कह रहा है प्रश्न में, क्वेश्चन है कि 1 ग्राम हीलियम में, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और इसके साथ एक और सवाल इसी में ऐड कर दिया है, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए क्या करें, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या निकालिए, तो हमें यह पता करना पड़े कि 1 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है। मोलों की संख्या पता कर लिया, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितने उसके अंदर परमाणु उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना अगर शुरू करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले हम क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, वेयर स्मॉल एम है, वेयर स्मॉल एम क्या है, ये जो हमारा दिया गया है इसका ग्राम है, यानी कि इसका कहा जाए तो मास, मास ऑफ एनी मैटर, मास हमने ले लिया, और यहाँ पे ये क्या है, मोलर मास है, तो मास हमको दे रखा है कितना, 1 ग्राम, ग्राम में ही लेना रहता है, इसका मोलर मास हीलियम
तो हीलियम का मोलर मास निकालने के लिए हम उसका एटॉमिक मास ले लेंगे। तो हीलियम का होता है परमाणु क्रमांक 2, इसका मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास होता है 4, तो इसका मोलर मास भी हो जाएगा 4, इसको आप सॉल्व करिएगा 0.25। तो कहने का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, 1 ग्राम इसके कितने मोल्स हैं, 0.25 मोल प्रेजेंट है। अब 0.25 मोल्स हमको मिल गए तो हमें क्या पता करना है, परमाणुओं की संख्या पता करना है। ये तो और भी आसान हो गया, 0.25 को ला करके अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे सो, क्या पूछा है, परमाणुओं की संख्या। सो हीलियम में, हीलियम के 1 ग्राम में, हीलियम के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या क्या करेंगे, अभी हमने क्या बताया कि मोलों की संख्या मिल गई कितना है 0.25, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 × 10³। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट मिल जाएगा 1.505 × 10³। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 1.505 × 10³। ये क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु की संख्या है। ठीक है, अब क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इसका क्या होगा, इसमें देखा जाए तो देखिए मोलों की संख्या में निकाल दिया है और हमें पता है कि, हमें पता क्या है कि 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है, इसलिए 0.25 मोल किसके बराबर होगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट मिल जाएगा 5.6 लीटर। ठीक है, देखिए हमने दोनों क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। पहले हमें क्या करना है, हमें पहले मोलों की संख्या पता करना है। हमने यहाँ पर मोलों की संख्या पता कर ली। अब मोलों की संख्या पता करने के लिए उसके अंदर पार्टिकल्स पूछेगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका वॉल्यूम पूछेगा, तो आप 22.4 लीटर आपको पता है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अब इसको आप मन करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, कह रहे किसी गैस का 1 ग्राम एनटीपी पर 1400 ml आयतन घेरता है। ठीक है, गैस का अणु भार क्या है, गैस का अणु भार पूछा गया है यहाँ पे। चलिए इसको देखें कैसे निकाला जाएगा। हम लोग देखें सबसे पहले क्या दे रखा है हमको, मैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। इस बार कहा है कि किसी गैस का 1 ग्राम एनटीपी पर, गैस का 1 ग्राम एनटीपी हमने आपको बताया, देखिए एक एनटीपी होता है और एक टीपी होता है, दोनों नियर अबाउट सेम होते हैं। एसटीपी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये नियर अबाउट हम लेते हैं टेम्परेचर 0°C, और लेते हैं ये प्रेशर लेते हैं हम 1 atm, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, किसी गैस का 1 ग्राम एनटीपी पर कितना दे दिया है, 1400 ml दे दिया है आयतन। ठीक है, आयतन दे रखा है और पूछ रहा है कि गैस का अणु भार क्या होगा, आयतन है गैस का अणु भार, गैस का अणु भार पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट देखिए कैसे बताएंगे हम, हमारे पास क्या दिया 1400 ml, इसका आयतन दे दिया 1 ग्राम इसका आयतन दे दिया हमको 1400 ml। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना रहता है, मोलों की संख्या। हम पहले फाइंड करेंगे, इसको हम कर रहे हैं सॉल्व, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन नंबर ऑफ मोल पता करने से पहले ये पता ना कौन सा गैस है, इस गैस का नाम ही नहीं दिया है, तो इस गैस का हम मोलर मास m मान लेंगे। यहाँ पे मानेंगे, माना गैस का मोलर मास इक्वल कैपिटल m हो जाए, तब मोलों की संख्या, तब मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के लिए फार्मूला हमने बताया था स्मॉल m / कैपिटल m, स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है कितना 1 ग्राम हो गया, और इसका मोलर मास कितना हमने माना है कैपिटल m, यानी कि क्या है मोलों की संख्या, यानी कि इतने हैं मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या मिल गई। अब जब हमें मोलों की संख्या मिल गई तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, इसका आयतन, आयतन वाला हमारे पास दे रखा है हमको, चूंकि पता है कि 1/5 मोल गैस का आयतन, 1/5 मोल गैस का आयतन कितना दिया है 1400 ml, 1400 ml। ठीक है, इसलिए 1 NTP पर 1 मोल गैस का आयतन, NTP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1400
100 इंटू कैपिटल एम बराबर 2400 ml, ठीक है। देखिए लीटर में लेंगे तो 22.4 लीटर लेंगे, ml में लेंगे तो आप 22400 ml में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से m का वैल्यू को फाइंड करना है, m को अकेला करिए और ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं 22400 upon 1400। देखिए 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इसको आप काटेंगे तो आ जाएगा कितना 16, m बराबर कितना आ गया 16, ठीक है। ये हमने इसका मोलर मास निकाल दिया, अभी आप समझ गए इस चीज को, इसका अणुभार कितना है 16 है, ठीक है। इस टाइप के भी सवाल आपके बुक में पूछे गए होंगे, थोड़ा इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट करते रहे। देखिए सबसे पहले ये जो गैस था, इस गैस का हमें मोलर मास नहीं पता था, हमने मान लिया कि माना गैस का मोलर मास कैपिटल एम, तब हमने मोलों की संख्या निकाल दी। मोलों की संख्या के लिए फार्मूला आपको पता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल एम यानी कि ये जो गैस है इसका ग्राम में दे दिया है मास, तो हमने लिख दिया 1 और इसका मोलर मास हमने कैपिटल में माना था वो हमने लाके यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें 1 अपॉन m मोल गैस का आयतन दे रखा है 1400 ml, ठीक है। यहाँ पर तब हो जाएगा एंड एक मोल गैस का आयतन 1400 इंटू m इक्वल 22400 ml, ठीक है। वहां से हमने कैलकुलेशन किया m बराबर 16 आ गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।